कर रही है अहिल्या? अज्जी ने देख लिया तो बहुत डांट पड़ेगी। तेरे तो शादी होने वाली है ना, तो जब तक महादेव जी तेरी शादी ना तोड़वा ले तू मेरे पास नहीं आ सकती। रेनू पता है बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। उस दिन शिवजी ने तो मुझे कॉल दिया ही नहीं था। बता क्या हुआ? सब गलती ना यमुना की। अगर शिवजी सच में चाहते कि मेरी शादी हो फिर तो शादी करनी पड़ेगी ना। तू कर लेना। ऐसे कैसे बोल रही है तू? तू कितनी परेशान हो गई थी शादी करके, भूल गई? तूने तो बताया था ना कि सासू बाई कितनी बुरी होती है और ससुराल तो काल कोठरी जैसा होता है। अच्छा एक बात बता, तेरे ससुराल वाले कैसे हैं? अच्छे कि बुरे? दोनों को छोड़ के ना सब अच्छे। एक वो मेरी सासू बाई, जब देखो तब डांटती रहती है, और दूसरा मेरा नवरा कुड़ू छोटे सूबेदार। फिर पता है आज ना मेरी सासू बाई ने मुझसे बहुत प्यार से बात की, लेकिन ससुराल जाके बदल गई। तो तेरा ससुराल मतलब सूबेदार जी का घर है ना, और वो तो तेरे दोस्त हैं, हमेशा तेरा साथ देंगे। मैंने सूबेदार जी से दोस्ती तोड़ दी है। क्यों? उन्हें पता था कि मुझे शादी नहीं करनी है, फिर भी उन्होंने मेरी शादी पक्की कर दी। दोस्त होते तो ऐसा नहीं करते ना। लेकिन सूबेदार जी ने कितना साथ दिया तेरा, जब तू कपिला को मंदिर से घर ले जा रही थी तब, फिर जब मुझे मीठा खिलाने पर सब तुझे चिल्ला रहे थे तब, सबकी डांट से उन्होंने तुझे बचाया है कि नहीं? आज के बाद अहिल्या कभी हमारे घर नहीं आएगी और ये रेनू से कभी नहीं मिलेगी। मगर प्रांत के सूबेदार की ये फैसला मंजूर नहीं है, और हम मल्हार राव होलकर आदेश देते हैं कि इन दोनों बच्चियों के मिलने जुलने पर कोई पाबंदी नहीं होगी। वो चाहते हैं कि तू हमेशा उनके साथ रहे, इसलिए तो तुझे अपनी बहू बना रहे ना। हम तुम्हारे दोस्त हैं अहिल्या, और इस दोस्त को तुम्हारी जरूरत है, इसलिए तुम्हें अपने साथ मालवा ले जा रहे हैं। उन्होंने इतना साथ दिया तेरा तो आगे भी देंगे ना, डरती क्यों है? सच बोल रही है रे तू रेनू, पर मैंने भी तुझे वादा किया था, कसम खाई थी तेरी कि मैं तुझे छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी, उसका क्या? ले तोड़ दी मैंने कसम, अब तू कर ले शादी। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी सहेली महल में रानी बनकर रहेगी, पर तू मुझे भूल तो नहीं जाएगी ना अहिल्या? नहीं रेनू, ऐसा मत बोल। अगर मैं चली जाऊंगी तो तेरे साथ कौन खेलेगा? कौन तुझे मीठा और अचार खिलाएगा रेनू? कसम से एक तरफ से थोड़ी ना छोड़ दे, मैं अपनी कसम कभी नहीं तोड़ूंगी। अरे लेकिन लेकिन वकीन कुछ नहीं, मेरे ताजी कहते अगर सच्चे मन से कुछ मांगो ना तो भगवान जी हमेशा हमारा साथ देते। ये सिद्धियों का जंजीरा राज्य, और ये उनकी राजधानी, समुद्र के बीच उनका किला मुरुड़ जंजीरा। आज जो संदेशा भेजा है पेशवा जी ने, उसके अनुसार उनकी एक सेना चीमा जी अप्पा के नेतृत्व में पूर्व दिशा की ओर बढ़ेगी, लेकिन हमें लगता है सेना इस तरफ बढ़ेगी। रायगढ़ किले की तरफ? सरकार ये तो बहुत चिंता का विषय है। छत्रपति संभाजी महाराज की हत्या के बाद इतने सालों में रायगढ़ कभी मुगलों के पास रहा तो कभी सिद्धियों के कब्जे में,
सरकार, अभी पिछले साल ही तो हमने इसे वापस हासिल किया है और अब छत्रपति शिवाजी महाराज की राजधानी रायगढ़ किला हमारे पास ही रहेगा। मराठाओं के गौरव पर अब किसी और का कब्जा नहीं होने देंगे हम, कभी नहीं। सरकार, क्या करने का सोचा है आपने? शादी होते ही मालवा पहुंच जाए, उसके बाद सारे सिपाहियों को लेकर पुना के लिए रवाना हो जाएंगे। वक्त रहते सिद्धियों की सेना को रोकना होगा। जी गंगोबा, हमें युद्ध के आसार नजर आ रहे हैं। तब तक एक काम कीजिए, हमारे किसी सैनिक को मालवा भेजकर सेनापति जी को संदेशा भिजवाइए, ये तैयारी शुरू करें। जी हम अभी आते हैं। इतनी गंभीर बात हो रही है, युद्ध का खतरा सर पर मंडरा रहा है, फिर भी सरकार उस लड़की से बात करने चले गए। क्या हुआ, हमें बुला रही थी तुम? हाँ, वो आपसे बहुत जरूरी बात करनी है ना, आप जरा नीचे आओगे? क्या? हाँ, आप बहुत लंबे हो ना, इसलिए आपको दिखने के लिए गर्दन ऐसी करनी पड़ती है, फिर गर्दन दुखने लगती है इसलिए। अब तो गर्दन नहीं दुखेगी ना? तुम तो कुछ बोल ही नहीं रही हो, मतलब कोई जरूरी काम नहीं है तो हम चल रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, नहीं वो रुको, मुझे आपसे कहना नहीं, वो पूछना था कि आप अभी भी मुझे अपना दोस्त मानते हो? इसमें मानने वाली क्या बात, हम तो दोस्त हैं ही, मगर तुमने बीच में दोस्ती तोड़ दी थी ना? हाँ, वो थोड़ी गड़बड़ हो गई थी। हाँ, लेकिन अब फिर से दोस्ती कर लोगे ना मुझसे? पक्की पक्की वाली दोस्ती? सोचना पड़ेगा। ऐसा मत करो ना, जल्दी बताओ। कहा ना, अब तो सोचना पड़ेगा। बोलो ना। हम तो दोस्त हैं ही और हमेशा रहेंगे, पक्कम पक्के दोस्त। हाँ ठीक है, पर पक्कम पक्का दोस्त बनने के लिए कुछ करना पड़ेगा। जैसे? जैसे यमुना के आंगन में अमृत का पेड़ है, तो वो मुझे अमृत लाके देती है, फिर मैं उसे शेंगदाने देती हूँ, और लगोरी के खेल में मैं हमेशा तारा की तरफ से रहती हूँ, तारा को कोई हरा नहीं सकता ना इसलिए। और बदले में छुपा छुपे के वक्त अगर मुझे तारा दिख भी जाए ना, तो मैं उसे छोड़ देती हूँ, समझ रहे हो ना? हाँ, मतलब कोशिश कर रहे हैं, जरा और अच्छी तरह से समझाओगे तो समझ जाएंगे। ओहो, इतनी सी बात नहीं समझ रहे आप, मतलब दोस्तों को एक दूसरे के लिए कुछ करना पड़ता है, जैसे मैं आपके लिए कुछ करूंगी तो आपको भी मेरे लिए कुछ करना पड़ेगा, है कि नहीं? सो तो है। आपने कहा था कि आपको मेरी जरूरत है, इसलिए आप मुझे अपने घर लेके जाना चाहते हो, है ना? तो बदले में आपको भी कुछ देना पड़ेगा। क्या चाहिए तुम्हें, कहो। अगर मैं कुछ करूंगी तो आप साथ दोगे मेरा?
क्या करना चाहती हो तुम? अभी नहीं पता, पर बाद में तो पता चलेगा ना कि किसकी मदद करनी है। आप बस हाँ कह दो। आज भी अपने लिए नहीं, किसी और के लिए कुछ मांग रही है ये बच्ची। क्या सोच रहे हो आप? हाँ नहीं बोलोगे? ठीक है, हम साथ देंगे तुम्हारा, वचन देते हैं। भोला वचन? वो क्या होता है? भोला मंजर शिव जी, मतलब आपको शिव जी की कसम खा के वचन देना पड़ेगा। भोला वचन, ये वचन तोड़ नहीं सकते आप। ठीक है, भोला वचन, अब तो खुशी खुशी शादी करोगी ना, तभी तो चलोगी हमारे साथ हमारे घर। और बेटी, खंडेराव के साथ हो सके तो दोस्ती कर लो, उसे तुम्हारे जैसे दोस्त की बहुत जरूरत है। करोगे ना दोस्ती? ठीक है, अगर आप कहते हो तो कर लूंगी मैं। अच्छा, मैं आती हूँ। सरकार, आप व्यस्त ना हो तो आपसे बात कर सकता हूं? सेनापति जी को संदेश भिजवा दिया है, लेकिन हमें और भी कुछ फैसले लेने हैं सरकार, राज्य शासन का। वही तो कर रहे थे हम गंगोबा, आपको वर्तमान की चिंता है और हम भविष्य की नींव रख रहे हैं। हमने कभी सारंगी तो नहीं बजाई, पर हम कोशिश कर सकते हैं क्या? क्यों नहीं छोटे सरकार, सुर ताल का बहुत ज्ञान है आपको, मैंने सुना है कई वाद्य यंत्र बजा लेते हैं आप। लीजिए। अति उत्तम छोटे सरकार, अति उत्तम। सुनिए, मेरे साथ आइए जरा। नहीं छोटे सरकार। तुम्हें संगीत पसंद है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम जिन लोगों के साथ बैठे हो वो हमारे स्वागत और मनोरंजन के लिए आए हैं। तुम दूल्हे हो, ऊपर से छोटे सूबेदार भी, यहाँ के खास मेहमान। ऐसे इस तरह से इन लोगों के साथ बैठकर सारंगी बजाना ठीक बात नहीं है। बात समझ रहे हो? आई बात समझ में? कानो जी, चलो बाहर जाते हैं, यहां मन नहीं लग रहा हमारा।
को छोटे सूबेदार जी। ओह छोटे सूबेदार जी, आपको मन नहीं लग रहा है ना? समझ गई मैं। तुम क्यों बीच में आ रही हो? कल तो धक्का देकर चली गई थी ना, मुड़कर देखा भी नहीं। मैंने धक्का दिया आपको? सच में? लेकिन कब? लो, इसे तो याद भी नहीं। मैंने देखा नहीं होगा, पर मैंने जानबूझ के नहीं किया। और अगर गलती से लगा होगा ना, तो मुझे माफ कर दो। अरे वाह, बड़ी जल्दी माफी मांग ली। कोई तो बात है, इतनी सीधी तो तुम हो नहीं। जरूर ये कोई चाल है। नहीं नहीं, कोई चाल नहीं है, शिव जी की शपथ। अच्छा छोटे सूबेदार जी, आप दोनों को यह अच्छा नहीं लग रहा ना? आपकी दोस्त नहीं है ना यहाँ, इसलिए। और यहाँ तो कुछ खेलने को भी नहीं है। पता है मेरे ना बहुत सारे दोस्त हैं, आप उनके साथ खेल सकते हो। तुम लोग क्या खेलोगे? महल में जितने खेल है उतने तो तुम्हें नाम भी नहीं पता होगे, है ना कानो जी? नहीं नहीं, हम भी बहुत सारे खेल खेलते हैं, और वो भी बड़े मजेदार। जब आप खेलोगे ना, तो महल के सारे खेल भूल जाओगे। सुना कानो जी, हमें तो लगता है ये लड़की का दिमाग ही खराब हो चुका है। नहीं नहीं, कुछ खराब वराब नहीं हुआ है, सब बिल्कुल सही है। आप एक बार चलो तो सही, खेल खेल के तो देखो। चलो। वो देखो, वो सब मेरे दोस्त हैं। अरे ये तो छोटे सूबेदार है, अहिल्या का होने वाला पति। तुम सब इतने दूर क्यों खड़े हो? आके मिलो ना इनसे, ये छोटे सूबेदार है, कोई राक्षस थोड़ी ना है। ये आज हमारे साथ खेलेंगे। बारहवीं पर कभी झूला है आपने? रुको मैं दिखाती हूँ। अहिल्या के जैसे प्रारंभी पर देर तक झूलना किसी को नहीं आता, आज तक एक बार भी गिरी नहीं वो। आपके महल में है ऐसा पेड़? हाँ है, बिल्कुल है। ये तो कुछ भी नहीं है, इससे भी बड़े बड़े पेड़ है हमारे महल में, उसी पर झूला झूलते हैं हम, और अहिल्या से भी अच्छा। महल में रहते हैं ना, तो खेल के नाम भी अलग होंगे, सिर्फ इसीलिए समझ नहीं आया हमें। अहिल्या, छोटे सूबेदार जी बोल रहे हैं तुझसे भी अच्छा प्रारंभी पर देर तक झूल सकते हैं वो। अच्छा तो ठीक है, अब आपकी बारी। फंस गए हम, हमें आना ही नहीं चाहिए था इस लड़की के साथ। खेलो ना छोटे सूबेदार जी। हाँ बाद में। ये छोटे सूबेदार जी, अब पेड़ के पास आ ही गए हो तो खेलो ना हमारे साथ।
दोनों परिवारों के सदस्यों को कल सिद्धेश्वर मंदिर में अक्षत देने जाना है। खंडेराव के हाथों अभिषेक हो जाने के बाद कल शाम मेहंदी होगी और परसों हल्दी है और अगले दिन शादी। द्वारका ताई इतनी बेचैन क्यों है? बार बार बाहर देख रही है, किसका इंतजार है उन्हें? नमस्कार। आइए आइए, स्वागत। सुखी भव। सुखी भव। बहुत अच्छा किया जो आप आ गए। ये सीता भाई हमारी सबसे बड़ी बेटी और हमारे जावे साहब गुणो जी, रानी द्वारका की बेटी है ये। नमस्कार। नमस्कार और बधाई। बधाई हो आपको भी, स्वागत है आप दोनों का। मुझे लगा था आप दोनों शादी में नहीं आओगे, मालवा में किसी रिश्तेदार से मिलने गए थे ना? जी, और संयोग से लौटते वक्त पास के गांव से ही गुजर रहे थे। जब मेरे बाबा का संदेश मिला तो बस आ गए। अच्छा किया जब आ गए। आखिर सीता भाई के इकलौते भाई की शादी है, आना तो था ही आपको। जी बाबा साहब, खंडेराव मेरे इकलौते साले साहब भी तो है, आना तो था ही। आइए मैं आपको आपका कमरा दिखाती। आई, ये सच है क्या? खंडेराव को? चुप, बाद में बात करते हैं। वही नहीं भाई, आपके लिए कब तक इंतजार करेंगे? जाइए। जी, यात्रा से थक गए होंगे आप, आइए हाथ मुंह धो लीजिए। आयुष्मान भव, हमें तो बहुत फिक्र हो रही थी, लगा कि आप समय पर नहीं पहुंच पाए तो। आपका संदेश मिलते ही समझ गए थे कि मामला कितना नाजुक और गंभीर है, इसलिए रात को ही निकल पड़े। अच्छा, तभी तो मैं सोचूं कि सीता भाई और जावे साहब को देखे द्वारका तो हैरान क्यों नहीं हुई। इन्होंने संदेशा देकर बुलाया अपनी बेटी और दामाद को। कुछ तो खिचड़ी पकड़ी इन दोनों में, मसालेदार। अब तो शादी का मजा भी तड़के वाला होगा। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.